हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर मोनिका महेश्वरी, सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन एट अमनदीप मेडिसिटी हॉस्पिटल अमृतसर। टुडे आई विल टॉक अबाउट एस्थमा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एस्थमा इज बेसिकली अ लंग डिजीज, एक सांस की प्रॉब्लम है। इट्स अ रेस्पिरेटरी डिजीज। नॉर्मली प्रेगनेंसी में पूरी बॉडी में चेंजेस आते हैं फीमेल की, वैसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम में चेंजेस आते हैं। बिकॉज ऑफ डीपर ब्रीथिंग देर इज इंक्रीज वेंटिलेशन, जिसकी वजह से टाइडल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ये सब इंक्रीज हो जाता है। नॉर्मली देर इज डिस्निया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। डिस्निया मतलब कि ब्रेथलेसनेस, सांस लेने में प्रॉब्लम। एक्चुअली बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन PCO2 देर इज इंक्रीज वेंटिलेशन। एंड देखा गया है कि जो डिस्निया है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसका इंसिडेंस इज जस्ट 15% इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 50% इन सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड 75% इन थर्ड ट्राइमेस्टर। यानी कि ज़्यादा ये थर्ड ट्राइमेस्टर में देखा गया है बिकॉज ऑफ चेंजेस। एंड ऑल्सो क्यों, क्योंकि बेबी का साइज़ ज़्यादा ग्रो करने की वजह से यूट्रस का साइज़ बढ़ता है, तो एब्डोमेन का गर्थ इंक्रीज होने की वजह से इट पुट्स अ प्रेशर ऑन दी डायफ्रेम एंड द लंग, जिसकी वजह से लंग की कैपेसिटी कम हो जाती है। तो देर इज़ इंक्रीज वेंटिलेशन, बट बिकॉज इट इज़ फिजियोलॉजिकल देर इज़ एज सच नो ट्रीटमेंट इज़ रिक्वायर्ड, रीअश्योरेंस। एंड ये सब मॉडिफिकेशन की बेसिक मोस्टली इन लेडीज़ को प्रॉब्लम ज़्यादा होती है लेटने पे, तो बेटर है कि वो रिकमेंड पोजिशन में, यानी कि हेड हाई करके लेटें, तो दो पिल्लो सिर के नीचे, एक पिल्लो शोल्डर के नीचे करके, ऐसे करके अगर लेटते हैं तो उसमें कंफर्ट बेटर फील होता है। सेकेंड इज द एस्थमा। एस्थमा एक्चुअली होता क्या है कि इसमें जो लंग्स के अंदर एयरवेज होती हैं, दे बिकम हाइपर रिस्पॉन्सिव टू दी सम इरीटेंट्स लाइक कैन बी कोल्ड एयर, एक्सरसाइज, सम ड्रग्स लाइक एस्पिरिन और सम इन्फेक्शन। तो इस केसेस में आपको जो एयरवेज होती हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट करने लग जाती हैं, जिसकी वजह से ब्रेथलेसनेस की फीलिंग होती है। इसके फीचर्स बेसिकली देर इज ब्रेथलेसनेस और डिस्निया, टेकिपनिया, कफ, वीजिंग मतलब कि सीटी जैसी आवाज़ें आना सांस लेते समय, और देर इज चेस्ट टाइटनेस। तो यूजली अगर एस्थमा कंट्रोल्ड है तो उसकी ज़्यादा प्रॉब्लम प्रेगनेंसी में नहीं होती है। द प्रॉब्लम इज लाइज मोर व्हेन एस्थमा इज नॉट वेल कंट्रोल्ड। तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं इफ एस्थमा इज नॉट कंट्रोल्ड प्रॉपरली? मदर के अंदर देयर कैन बी प्री टर्म लेबर पेन्स, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, प्री एक्लेम्सिया, आयुजिया। बच्चे के अंदर बिकॉज ऑफ प्री मेच्योरिटी देर इज इंक्रीज मोर्टैलिटी, मॉर्बिडिटी। बिकॉज ऑफ हाइपोक्सिया देर इज इंक्रीज मॉर्बिडिटी। And if it is very severe asthma, there can be more complications to the mother like cardiac arrhythmias, respiratory failure. As such, pregnancy ka kya effect hota hai asthma ke upar? To dekha gaya hai ki 30% cases mein there is no effect, 35% mein the asthma can get worsened, and in 35% mein the asthma has been seen improved in some situations. So usually it is said that most of the anti-asthmatic drugs are safe during pregnancy. तो अगर एस्थमा well controlled है तो pregnancy outcome is mostly better. But if एस्थमा is not well controlled, then it affects pregnancy more. So ज़रूरी है कि क्योंकि एस्थमा usually pregnant ladies को पहले से पता होता है, उनकी कोई ना कोई medicines चल रही होती हैं, तो क्या होता है कि during pregnancy कई बार ladies ये ड्रग्स या तो कम कर देती हैं, डोज कम कर देती हैं, या स्टॉप कर देती हैं, ये सोच के कि इसका इफेक्ट पड़ेगा बेबी के ऊपर। बट उसकी वजह से व्हेन एस्थमा इज नॉट वेल कंट्रोल्ड, देन इट हैज़ मोर डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स ऑन द प्रेगनेंसी देन इट्स मेडिसिन। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू टेक द मेडिसिन रेगुलरली। इफ़ यू कंसीव एंड इफ यू आर एस्थमेटिक एंड यू कंसीव, यू शुड कंसल्ट योर ऑब्स्टेट्रिशियन एंड चेस्ट स्पेशलिस्ट। We might need to change some of your medicines. हो सकता है dosage change करनी पड़े, frequency change करनी पड़े, but you need to take the medicine regularly to keep your asthma under control so that the pregnancy goes uneventful. Thank you.